सो हियर वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ नीट स्टूडेंट खबरी, जहां हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राहुल सर के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे. वो टॉपिक है क्या सर? टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और टॉपिक ये है कि वो बच्चे क्या करें जिनके मार्क्स 150 से लेके 300 तक हैं. 150 से 300 मार्क्स वाले बच्चे क्या करें, उनके लिए ये सारा सेशन स्टार्ट होने वाला है. अब इसको 150 की बजाय हम 117 भी ले सकते हैं, क्योंकि नीट 2022 का रिजल्ट आ चुका है. जनरल का जो क्वालिफाइड मार्क्स है वो गया है 117. मतलब 117 मार्क्स अगर आपका आउट ऑफ 720 है तो आप नीट में क्वालिफाइड हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं. वहीं पर अगर आप बेटा ओबीसी, एससी, ये मैडम ऐसा क्यों हो रहा है, एक पेन ऐसा ओबीसी, एससी, एसटी, चलो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो रहा होगा, उस पर अगर आपका मार्क्स है तो ये 93 मार्क्स आउट ऑफ 720 आप लोग क्वालिफाइड हैं. अब क्वेश्चन वही है आरसी मैडम, वापस से क्वालिफाइड तो नीट में बच्चे हो गए लेकिन अब क्या? तो बेटा ऐसे बच्चे, जैसे मैं अगर बात करूं कि जिनका मार्क्स 117 है, जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, बाकी सारी कैटेगरी अंडरस्टूड होती है उसी में. और गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया कोटे में बात करूं तो मैं 604 नंबर पे मिलने वाला है AI कोटे में. और इस मार्क्स से ऊपर बच्चे होंगे तो मिलेगा, इस मार्क्स से नीचे होंगे, मान लो मॉपअप और स्ट्री वैकेंसी भी जोड़ दिया तो 600 हो गया, 600 से नीचे हैं तो ऑल इंडिया नहीं मिलेगा. अगर लो कट ऑफ वाली स्टेट जस्ट लाइक MP और छत्तीसगढ़ भी मैं ले लूं तो 560 मार्क्स से ऊपर ही आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है. तो फिर से वही क्वेश्चन कि ये बच्चे क्या करने वाले हैं जो 117 से लेके इस बीच आएंगे, उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होंगे. तो एक ऑप्शन तो है यहाँ पर, अगर हम स्टार्टिंग से करते हैं कि एक बच्चा जो 560 प्लस में गया है लो और कट ऑफ वाले स्टेट से, तो वो गवर्नमेंट में चला जाएगा. 600 वाला बच्चा एबव है तो वो गवर्नमेंट में चला जाएगा. अब नीचे वाले बच्चों के लिए क्या होगा, तो ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 400 से 560 के बीच में है, ये वीडियो में हम पूरा ही लेके चल रहे हैं, हालांकि वीडियो का टाइटल है 150 से 300 पे क्या है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं क्योंकि ये कुछ जो ऑप्शन है वो ओवरलैपिंग करते हैं. ओवरऑल कहीं ना कहीं सारे ही मार्क्स के बच्चे कंफ्यूज ही हैं कि क्या मिलने के चांसेस हैं. और मैं तो कह रहा हूँ इसके थंबनेल को हटाकर आप कर दो 117 से 560 के बीच में, तो एक ब्रॉड रेंज आ जाएगी, है ना. 117 से 560 के बीच वाले बच्चों को क्या करना है, या जो भी आगे की लाइन है वो वही, बस मार्क्स जो 150 से 300 थे उसको करना है 117 से 560. तो चलते हैं बेटा उन बच्चों के साथ जो 400 से 560 के बीच में हैं. अब यहाँ पर आप लोगों के पास सबसे एक अच्छा ऑप्शन आता है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके प्राइवेट MBBS कर सकते हैं. मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं. फिर से बच्चों का क्वेश्चन कि सर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कितना, तो बेटा इंडिया में अगर मैं ऑन एवरेज बताता हूँ तो 10 लाख से लेके 25 लाख तक पर ईयर की फीस के कॉलेज अवेलेबल हैं. मतलब अगर आपका बजट 10 लाख का भी है और आप प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास आपको ऑप्शन मिल जाएंगे. मतलब अगर 4.5 साल की फीस लगाएंगे, साल की बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेट 50 लाख से लेके 1 CR तक के कॉलेज अवेलेबल हैं. तो अगर आपका बजट ये है तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस मार्क्स पर मिल जाएगा. अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपके पास एक दूसरा ऑप्शन स्टार्ट होगा और वो होगा एब्रॉड का. यानी आप कम बजट में, जैसे ये मैंने कहा कि ये आप 50 लाख से 1 CR पर 5 ईयर का पैकेज है, तो यहीं पर अगर आप एब्रॉड जाते हैं तो ये पैकेज आपका 15 लाख से लेके 25 लाख में अच्छे कॉलेजेस में हो जाएगा. एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेक्स्ट लॉन्च किया, दैट मींस कि जो बच्चा अब्रॉड से भी MBBS करके आता है और इंडिया से भी MBBS करता है, उन दोनों को ही FMG का एग्जाम देना है, तो ही आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर सकते हो. तो ये दोनों के लिए कॉमन है. जस्ट दैट अगर आप एक सही यूनिवर्सिटी, आपको लगता है मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप वहाँ से भी आकर
इस एग्जाम को क्लियर करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस पे मैंने वीडियो बनाई है और मैं बनाती जा भी रही हूँ। उसके अलावा भी अगर आप जानना चाहते हैं कि अब्रॉड में कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं मेरे लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, नंबर है, आप उस पर रीच आउट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हैं जहाँ पर आपको MBBS मिलेगा, लेकिन वो बच्चे जो 400 से 560 के बीच में हैं उनको BDS, अगर वो स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो प्राइवेट ही BDS, क्योंकि 400 थोड़ा सा मार्क्स कम हो जाएगा, 500 तक तो गवर्नमेंट BDS मिल जाएगा, पर 500 से नीचे वाले बच्चों को प्राइवेट BDS आसानी से मिल जाएगा, और उसके बाद BAMS आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज, BHMS आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, मतलब ये सारे गवर्नमेंट है, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है हमारा सिस्टम, तो BHMS जो है वो भी आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा 400 मार्क्स पे भी। हाँ, 400 मार्क्स पे दोनों गवर्नमेंट मिल जाएंगे, BMS और BHMS, साथ में BUMS तो आपको मिल ही जाएगा, BNYS गवर्नमेंट मिल जाएगा, तो मतलब आपके पास ये सारे ऑप्शन है। फिर से मैं ब्रीफ कर दूं इस रेंज को, अगर आप 400 से 560 के 560 के बीच में हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, एब्रॉड से MBBS कर सकते हैं, गवर्नमेंट BMS मिल जाएगा, गवर्नमेंट BHMS मिल जाएगा, गवर्नमेंट BNYS मिल जाएगा, प्राइवेट BDS मिल जाएगा, और भी कई स्ट्रीम लाइक फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी में BSc, ये सारे ऑप्शन, फार्मी, सारी चीज़ें आपके पास खुली हुई हैं। क्लियर है, तो ये बात कर ली। अब हम चलते हैं उन बच्चों के लिए नई स्लाइड के साथ। एक बार मैं चाहती हूँ आप, हम थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लें, राइट, अगर आप चाहें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एब्रॉड, जिसमें मैंने फीस का प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बजट जाएगा आपका 10 से 25 लाख पर ईयर पर ईयर, और अगर 5 ईयर का पैकेज जाएगा तो 50 लाख से 1 ईयर, एब्रॉड में आपका पैकेज जाएगा 15 लाख से 25 लाख पूरा 5 साल का, BDS प्राइवेट मिलेगा, BMS गवर्नमेंट, BHMS गवर्नमेंट, BNYS गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 400 से कम रैंक मार्क्स वाले बच्चों की। अब हम उन बच्चों की बात करेंगे जिनके मार्क्स 300 से 400 है, मतलब ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 300 से 400 हैं उनके पास क्या ऑप्शंस बचते हैं। तो बेटा आपके पास फिर से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन है। इस बार आपको ये है कि जो बहुत टॉप प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जस्ट लाइक अ मणिपाल मेडिकल कॉलेज, लोनी का मेडिकल कॉलेज, वो कॉलेज नहीं मिलेंगे, पर कुछ कम अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको इस रैंक पर मिल जाएंगे। बजट आपका अप्रोक्स फिर से वही रहेगा, मैं कह दूं 50 लाख से 1 करोड़। हाँ, नहीं, मैं अगर बात करूं तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनका फीस कम होता है वो कॉलेज इस नंबर पर नहीं मिलेंगे, मतलब अब आपको 15 लाख पर ईयर वाले बजट में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको, जो जो नीचे का लिमिट अभी हम 25 लाख से लेके 25 ले रहे थे, अब ये 15 से 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं वो कम फीस वाला कॉलेज ऑप्ट कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा एब्रॉड, एब्रॉड तो बिल्कुल आपके लिए एज इट इज है, जैसा एब्रॉड आपके लिए वहां था वैसा ही एब्रॉड यहाँ है, बजट भी यहाँ पर वही है जो वहां पे था। अब यहाँ पे मुझे जो लगता है कुछ चीजें बस चेंज हो जाएंगी, जो हमें BAMS BHMS वो प्राइवेट, वो वहां पर चेंजेस आने वाला है, यानी अब यहाँ पर जो प्राइवेट था वो प्राइवेट BDS ही रहेगा। हाँ। अब जो आपका BHMS था, वो जो सॉरी BMS था वो भी आपका प्राइवेट आ गया है ना, तो ये प्राइवेट BDS रहेगा, ये जो BMS है वो भी अब आपको प्राइवेट ही मिलने वाला है, गवर्नमेंट BHMS के चांसेस अभी बने हुए हैं, 400 मार्क्स हैं, 360 मार्क्स हैं, 370 मार्क्स हैं, तो गवर्नमेंट BHMS के चांसेस बने हुए हैं, साथ में BNYS BUMS अभी भी गवर्नमेंटेड आपके चांसेस बने हुए हैं, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, इन सभी कोर्सेज पे इंडिविजुअल वीडियोस भी हमने बनाए हैं हमारे चैनल पर बने हुए हैं। हाँ, तो आप चाहें तो चैनल पे उसको भी सर्च करके चेकआउट कर सकते हैं और उस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जिनके पास 300 से 400 के तो मार्क्स, एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूँ, जो 300-400 पे है उनको प्राइवेट मिलेगा लेकिन फीस थोड़ा सा हाई रहेगी एज कम्पेयर टू 400 प्लस वाले मार्क्स बच्चों के। एब्रॉड एज इट इज रहेगा, गवर्नमेंट BDS नहीं मिलेगा प्राइवेट BDS मिलेगा, गवर्नमेंट BMS नहीं मिलेगा प्राइवेट BMS मिलेगा, BHMS BNYS BUMS सारे गवर्नमेंट मिल जाएंगे अगर आपके मार्क्स 300 400 हैं।
ठीक है। तो अब जो मेन स्लाइड हम लेने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनके 300 से कम है, जो 170 से 300 है, मतलब क्वालिफाइड तो कर गए हैं लेकिन नंबर 300 से कम है। और सबसे ज्यादा बल्क यही है, अगर मैं कहूं कि नीट में अगर 9 लाख बच्चे क्वालिफाइड होते हैं तो 4.5 लाख बच्चे इसी कैटेगरी में सफ़र करते हैं। तो बेटा ये एक बहुत ही ऐसी कैटेगरी है जिसने मेहनत भी की लेकिन प्रॉपर मेहनत भी नहीं कर पाया, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाया, क्वालिफाइड का टैग भी लग गया लेकिन अब क्या। तो ऐसे बच्चों के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। आप MBBS अब्रॉड जा सकते हैं, बिकॉज जा भी सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आप इस स्कोर पर हैं तो बेटा जरूर हमारा गूगल फॉर्म भरें, क्योंकि हम इस स्कोर पे आने के बाद कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, इंडिया में इतने सारे हैं, वो फर्स्ट राउंड में ही मिल सकता है, सेकंड राउंड में चांस खत्म हो जाते हैं टोटली। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, अगर आपकी फाइनेंशियली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो आपको बहुत सोच समझ के इस पर काउंसलिंग कराना होगा। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करिए, अपने मार्क्स मेंशन कीजिए, बजट क्या है, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस आप देख रहे हैं उसको स्पेसिफाई करिए, राइट। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको गाइड करेगी, क्योंकि राहुल सर का ये कहना है कि इस पे मिलता तो है बट बहुत सोच समझ के करनी है, बिकॉज कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कहीं ना कहीं मिलते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर सीधा ऑप्शन स्टार्ट होगा एब्रॉड MBBS से। अगर आप एब्रॉड में यहाँ पर कोई अंतर नहीं, वही एब्रॉड सबके लिए सेम है। तो एब्रॉड में एक्चुअली में सीट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहता। अगर आप 117 पे हैं और एब्रॉड जाना चाहते हैं तो एक बार हमसे काउंसलिंग जरूर कराएं, RC मैडम से काउंसलिंग जरूर कराएं। RC मैडम ने काफ़ी एब्रॉड की वीडियो वहाँ पर डाले हुए हैं। तो बेटा एक एब्रॉड वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब इसके बाद कुछ भी गवर्नमेंट नहीं रहेगा, MBBS तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों लगभग खत्म हो चुके हैं, MBBS के नाम पर केवल एब्रॉड है। प्राइवेट BDS मिलने के चांसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी BDS कॉलेज हैं, इसलिए प्राइवेट BDS का ऑप्शन आपके लिए रहेगा, यानी प्राइवेट BDS आप ले सकते हैं। प्राइवेट BMS आपको भी मिलने के चांसेस खत्म हो चुके हैं, यानी BMS आपको इस नंबर पर प्राइवेट नहीं मिलने वाला। तो प्राइवेट आपको BHMS मिल जाएगा, ठीक है, BMS आपको नहीं मिलेगा, और प्राइवेट आपको BNYS मिल जाएगा, प्राइवेट ही आपको BUMS मिल जाएगा। तो ये आपके ऑप्शंस रहेंगे, बाकी के आप नर्सिंग में जा सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, और किस कोर्स का फ्यूचर क्या है वो सारा वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमसे बार बार बोलेंगे तो हम फिर से वो आपके लिए एक वीडियो बना देंगे कि भाई इस कोर्स का क्या है। आपको कुछ नहीं करना, गूगल का फॉर्म भरो, आप जिस स्ट्रीम में जा रहे हो उस स्ट्रीम के बारे में हमें बताओ और हम उसका पूरा फ्यूचर, आगे क्या कर सकते हो, कितनी अर्निंग होगी, कितना आपको ड्यूरेशन देना पड़ेगा, किस क्वालिटी के लाइफ स्टाइल आप जी पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर आपको बता देंगे। और ये सारी वीडियो इस चैनल पर डली भी हैं। तो फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर दूँ, वो बच्चे जिनके मार्क्स 117 से 300 के बीच में, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत तीस ज़्यादा ऐसा फेज होता है जहाँ पर एक काउंसलर की ज़रूरत बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे बच्चे जरूर हमारा गूगल फॉर्म भरें। इन बच्चों के पास एब्रॉड का ऑप्शन ओपन है, साथ में प्राइवेट BDS, BHMS, BNYS और BUMS का ऑप्शन है, राइट। तो ये था वीडियो जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यू नो क्या क्या ऑप्शंस है, जिसमें सबसे पहले हमने 117 से 300 देखा, राइट। फिर 300 से 400 वाले बच्चों के लिए ये ऑप्शन है, राइट, जो कि हम लिस्ट में देख पा रहे हैं। देन 300 से 400 के बाद 400 से 560 बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, ये भी हमने डिस्कस किया इसी वीडियो में। और ये सारे डिस्कशन हमने किए और आज का जो टॉपिक था कि भाई एटलास्ट क्या जाने वाला है। तो ये था वीडियो, ऐसी और वीडियोस के साथ हम मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो नीचे हमें कमेंट करके सजेशंस दे सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो हम नीचे का प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हैं। गूगल मीट भी हम कंडक्ट करने वाले हैं जहाँ पे 1-on-1 सेशन रहेगा, उसका भी लिंक दिया हुआ है जिसमें आप रजिस्टर करके 1-on-1 राहुल सर से ही डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करें, बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ।